ये देखिए आप यहाँ पे आपको जैसे अभी पॉलिटिकल एड्स के बारे में वगैरह स्पेशल एड कैटेगरीज के बारे में अपनी अभी दिग्विजय ने पूछा था, तो यहाँ पे आपका अकाउंट है और ये सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक टैब है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको अपने आप को वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में यहाँ पे कंफर्म, एक मिनट, यहाँ पे ओके, एक मिनट, यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में, सेटिंग्स में आपको यहाँ आना है, कंफर्म योर आइडेंटिटी टू डू थिंग्स सच एज रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। ये इस तरीके की एड्स अगर आपको रन करने हैं तो आपको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ आपको ये कि मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ पता नहीं, ये दूसरा अकाउंट है। मैं पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड अकाउंट किसी भी पॉलिटिशियन का, या पहले करता था मैं लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे मैंने किया था, तो उन्हीं के ऐड अकाउंट से मैंने किया था। तो ये मैंने कुछ दिन पहले ये किया था प्रोग्रेस, बट मेरा नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना जो है एड्रेस, फोन नंबर और लोकेशन, पिन कोड वगैरह डालना पड़ेगा, पोस्टल कोड वगैरह। अभी आपको यहाँ जो मैसेज दिख रहा है ना, सेम मैसेज मुझे आता था। हाँ तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। कब किया है आपने? एक महीना हो गया। हो जाएगा, मेरा भी नहीं हुआ है। मैं अभी पॉलिटिशियन के ऐड के लिए उतना कुछ ये नहीं है, मैंने किया नहीं अभी, मतलब मेरे अकाउंट से, मैंने उनके अकाउंट से करके दिया था तो तुरंत हो गया था 6 आवर्स में, तो यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस, यही प्रोसेस से आपको जाना होगा, इन प्रोग्रेस करके मुझे बता रहा है, तो होपफुली ये हो जाना चाहिए। तो ये तरीका है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में। सबसे पहले हम लोग एड्स रिपोर्टिंग के बारे में देखते हैं, जिससे एड्स मैनेजर में हम लोग आते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे जो हमको मैट्रिक्स दिख रही है, मैट्रिक्स ये जो भी है, बिड स्ट्रेटेजी, बजट, एट्रीब्यूशन, रिजल्ट वगैरह, ये कैंपेन ऑफ होने की वजह से अभी हमको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेली जो भी हमारा कैंपेन्स चल रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें वो मैट्रिक्स दिखते हैं, जैसे कितने लोग रीच और इम्प्रेशन, कितने रीच हुए, कितना इम्प्रेशन हुआ, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या हुआ, कैंपेन के हिसाब से कॉस्ट, कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन के हिसाब से, पोस्ट एंगेजमेंट होगा या फेसबुक लीड्स होगी, तो उस हिसाब से हमें कॉस्ट पर रिजल्ट उसका दिखेगा। एक कॉस्ट, एक एक रिजल्ट के लिए कितना हमने अमाउंट स्पेंड किया, ये सारी मैट्रिक्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसको हम लोग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, ये परफॉर्मेंस टैब है, ठीक है। और यहाँ पे सेटअप अगर डिफॉल्ट करते हैं हम लोग, तो डिफॉल्ट जो है इस तरीके से रहता है, बट ये हमें उतना जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। हम लोग कस्टमाइज अगर करते हैं इसको, जैसे यहाँ पे हम लोग डिलीवरी एंगेजमेंट, वीडियो एंगेजमेंट, ऐप एंगेजमेंट, इन सारे मैट्रिक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको कस्टमाइज अगर करते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से इसका जो मैट्रिक्स है देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 17 जो है मैट्रिक्स सिलेक्ट करके रखे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग अपने अपने हिसाब से जो है मैट्रिक्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस है, एंगेजमेंट, कन्वर्जन, सेटिंग्स, एबी टेस्ट, ऑप्टिमाइजेशन, इस हिसाब से हम लोग यहाँ जो है ये मैट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड में, ठीक है।
तो यहाँ अगर यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स, रीच, इम्प्रेशन, डिलीवरी, अमाउंट स्पेंड, यहाँ पे मैं सीपीसी और सीटीआर ऑल करके रख देता हूँ, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ ये मैट्रिक्स, ठीक है। और मुझे क्या क्या देखना चाहिए, जैसे अगर मुझे देखना है पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, पेज कमेंट्स, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो जो है मैट्रिक्स जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कस्टम मैट्रिक्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर वीडियोस हैं तो वीडियो के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कितने लोगों ने 25% व्यू किया है, कितने लोगों ने 50% वीडियो व्यू किया है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है इस मैट्रिक्स का जो है अपने डैशबोर्ड में रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। कितने लिंक्स हुए, कितने यूनिक लिंक क्लिक्स हुए अदर देन जो लिंक्स हैं, देन सीटीआर क्या है, ये सब मैट्रिक्स जो है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मुझे ये सारे जो रिजल्ट्स है देखिए यहाँ पे बढ़ गए हैं, ये जो कॉलम्स है यहाँ पे मैंने जितने सिलेक्ट करे थे उस हिसाब से यहाँ पे ये जो रूलर है यहाँ पे मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी मैंने मैट्रिक्स सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे मुझे उसका रिजल्ट दिखेगा। और ये रिजल्ट्स मुझे अपने कैंपेन्स को एनालाइज करने के लिए काम में आएगा। जैसे मेरे कैंपेन्स अगर यहाँ पे सपोज ये कैंपेन्स रनिंग है अभी, ठीक है, ये कैंपेन्स अगर रन रन हो रहा है, एक्टिव है, तो यहाँ पे मुझे लाइव रिजल्ट्स दिखेंगे यहाँ पे कि मेरे पेज एंगेजमेंट, ये सीपीसी कितना हुआ, एक क्लिक का मैं मुझे कितना आया है, कितना ऑल सीपीसी कितना हुआ, सीटीआर कितना है, ऑल लिंक क्लिक्स कितने हुए, और ये जो सारी मैट्रिक्स है, रिपोर्ट्स है, मुझे अपने हिसाब से मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। आप इस टैब को, परफॉर्मेंस टैब को आप अगर क्लिक करते हो और यहाँ पे कस्टम करते हो, तो आप अपने हिसाब से जो है अपना जो डैशबोर्ड है उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हो। तो ये है यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स दिए हैं उस हिसाब से भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे डिलीवरी जो है मैंने सिलेक्ट किया अभी, तो डिलीवरी इम्प्रेशंस जो है, जो भी मैंने मेरी एड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, मेरी मुझे किस टाइप में चाहिए था हमारा एड डिलीवरी, तो इस हिसाब से हर किसी कैंपेन के लिए अलग अलग यहाँ पे डिलीवरी मेथड्स रहेंगे कैंपेन्स के लिए। तो यहाँ इस हिसाब से डिलीवरी अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, एंगेजमेंट अगर करते हैं तो एंगेजमेंट के हिसाब से कितने पोस्ट रिएक्शंस हुए, कितने पोस्ट कमेंट्स हुए, कितने सेव हुए, शेयर हुआ, हर हर जो है मैट्रिक्स हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसका जो है सेटअप डिफ़ॉल्ट था, तो अभी डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, या फिर परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखना चाहते हो, इस हिसाब से हर 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 कोई मैट्रिक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ अगर रिपोर्ट अगर हम लोगों को देखना है किसी पर्टिकुलर कैंपेन का, एक रिपोर्ट देखना है, इसको क्लिक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर आता हूँ तो इस पर्टिकुलर कैंपेन का रिपोर्ट मैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, CSV फॉर्म में, जो भी फॉर्म एक्सेल शीट है या जो भी हमको चाहिए उस हिसाब से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर देखता हूँ कोई मेरे पास कोई कैंपेन है क्या, जैसे ये लीड जनरेशन का कैंपेन है, ठीक है, इसको अगर मुझे रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट डेटा करता हूँ, CSV फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो इसका डेटा हमें कैसे मिलता है। हाँ, और एक चीज़, ठीक है, ये हम लोग देख देते हैं, जैसे लीड्स का जो कैंपेन था, तो ये लीड्स हैं, इस हिसाब से मुझे लीड्स आए थे, तो ये लीड्स का जो है डेटा मुझे मिला है, लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो उसका जो है रिजल्ट या रिपोर्ट मुझे इस फॉर्म में मिलता है। जब आप लीड जनरेशन का कैंपेन रन करते हो ना, तो आपको आपको वो जो लीड्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको मिलेगा ये, यहाँ पेज पे आओ आप, पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन रहता था पहले लीड्स के अंदर, कि पब्लिशिंग टूल्स में जाके देखते हैं, यहाँ पे मिल सकता है,
लीड जनरेशन को जो हम लोग फॉर्म फिल करके हमने जो इंस्टेंट फॉर्म फिल करके हमने जो कैंपेन सेट किए थे उसका जो रिपोर्टिंग है हमें यहीं पे मिलता है। क्या हो गया? हाँ यस, यहाँ पे ये जो है पूरा अपने जो भी पोस्ट किए होंगे अपने पेज पे उसका जो है एनालिटिक्स यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ नीचे मैं आता हूँ तो लीड्स या फॉर्म्स लाइब्रेरी में अगर आते हैं, लीड सेटअप, यहाँ नहीं फॉर्म्स लाइब्रेरी, ये जितने भी लीड कैंपेन आपने रन किए होंगे तो उसका जो पूरा डेटा है आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे ये कैंपेन है, इसका अगर मुझे कितने लीड्स आए मुझे देखना है तो यहाँ मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा इस शीट को। कितने हैं? 0 लीड्स है, क्या हो गया? तो ठीक है, इसको लाइफ टाइम के जो लीड्स हैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमें ये जो है ये ठीक है, ये लीड्स मुझे मिले हैं जैसे नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका जो ईमेल है, उसका जो भी मैंने कस्टम क्वेश्चंस पूछे थे उस हिसाब से क्या करते हैं वो लोग, और जो भी ये जो है ना ये ट्रू लीड्स होते हैं। ठीक है, उनको उन्होंने एफर्ट लिया है और इस हिसाब से ये जो है लीड्स में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये लीड्स मुझे इस तरीके से मिलेंगे फेसबुक पेज जो भी है अपना जिसके लिए हमने कैंपेन रन किया था, तो वो लीड्स हमें मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट को जो है हम लोग कस्टम अपने हिसाब से देख सकते हैं और अपने हिसाब से, जैसे मैंने रिपोर्ट को अभी कस्टम रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमें अलग अलग मैट्रिक्स, अलग अलग जो है डैशबोर्ड देखने को मिलेगा हमारे हिसाब से। जैसे अगर मैं यहाँ पे जो भी कैंपेन्स है जिनका डिलीवरी हो चुका है उसका वो सारे कैंपेन्स का रिजल्ट मुझे दिखेगा। यहाँ पे मैं अगर डेट सिलेक्ट करता हूँ, लाइफ टाइम सिलेक्ट करता हूँ मैं जितने भी कैंपेन्स मैंने रन किए होंगे उस पेज के लिए या इस एड अकाउंट में, तो ये है उसका पूरा एनालिटिक्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे देखिए फेसबुक पेज लीड रिजल्ट्स कितना हुआ, रीच कितना हुआ, इम्प्रेशंस, देन कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, कितना अमाउंट स्पेंट हुआ, तो ये सारी चीज़ें एड सेट के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये जितने भी मैट्रिक्स हैं आप इसको ब्रेक डाउन करो, आप उस हिसाब से आपको एड सेट के हिसाब से भी ये कैंपेन के लिए कितने एड सेट्स थे इस हिसाब से भी आप जो है वो देख सकते हो। अगेन अगर मैं यहाँ आता हूँ, इम्प्रेशन डिवाइस इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो देखिए आईफोन में कितना आया है, एंड्रॉइड स्मार्ट डेस्कटॉप, ये सारे व्यूज़ हम इस हिसाब से जो है अपने हिसाब से जो डेटा है हमारे कैंपेन्स के लिए हमारे बिजनेसेस के लिए देख सकते हैं कि कितना रीच है, देख सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो कौन सा जो है डिवाइस यूज़ कर रहा है, हमारी एड्स कौन से डिवाइस पे ज़्यादा शो हो रही है। जेंडर वाइज भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ फिल्टर करते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसको मैं इम्प्रेशन रिमूव कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे न्यूज़ फीड में इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, इंस्ट्रीम वीडियोस, मार्केट प्लेस, यहाँ पे कितने इम्प्रेशंस हुए, कितने रीच हुए, कॉस्ट पर रिजल्ट कहाँ से आया मुझे। तो देखिए कॉस्ट पर रिजल्ट मुझे न्यूज़ फीड से और इंस्टाग्राम फीड से आया है, तो मैं क्या करूँगा, प्लेसमेंट अगर मुझे देना है तो यहाँ पे मेरा अननेसेसरी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंप्रेशंस और ये हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट कैंपेन के लिए जब भी मैं न्यूज़ फीड लीड जनरेशन का कैंपेन रन करूँगा तो मैं प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं रखूँगा। ठीक है, मैं प्लेसमेंट में जाके स्टोरीज वगैरह, स्टोरीज नहीं, बाकी की जो है मार्केट प्लेस, इंस्ट्रीम, इंस्टेंट आर्टिकल, ये सब ऑफ कर दूंगा जब भी मुझे लीड जनरेशन का कैंपेन रन करना होगा।
ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो मैं अननेसेसरी यहाँ पे क्यों ऐड चलाऊँ। तो ये भी हो सकता है, इस तरीके से हम लोग भी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं ये डाटा को समझ के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स में अगर क्लिक करते हैं तो ये हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, जैसे कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन हमें चाहिए, तो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन मतलब हर 1000 लोगों को दिखने के लिए मुझे कितना पैसा खर्चा करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट स्पेंट कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन 101। ठीक है, इस कैंपेन में कितने लोगों ने देखा है, तो इम्प्रेशन आए 14,300 समथिंग। तो इस हिसाब से हम लोग जो है ये जो रिपोर्टिंग है ये कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो देखिए, अगर आप आओगे तो यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो जो दिया है आपको। लेकिन यही सेम है, ऑडियंस के हिसाब से हम लोग फिल्टर करते हैं। तो इंक्लूड कस्टम ऑडियंसेस, तो यहाँ पे आईडीज नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे नहीं देख सकते। तो यहाँ पे अगेन नेम, आईडी, कैंपेन नेम, वो सब कैंपेन नेम वगैरह देखना पड़ेगा। ये तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से जाना पड़ेगा रिटर्न। तो इस हिसाब से आप जो है फिल्टर करके अपने जो डेटा है हर हर कुछ हर हर हिसाब से हर एनालिटिक्स हर मैट्रिक्स के हिसाब से आप यहाँ पे डेटा जो है अपना देख सकते हो कैंपेन्स का। और इस हिसाब से आप अपने जो अपने जो कैंपेन्स है आप सेट करोगे फ्यूचर में, तो ये डेटा को एनालाइज करके आप कर सकते हो कि कौन से कैंपेन्स मुझे कौन से ऑडियंस वर्क कर रही है, कौन सा कैंपेन ज़्यादा मुझे प्रॉफिटेबल रहा, कौन सी ऑडियंस ज़्यादा वर्क कर रही, कौन सा प्लेसमेंट ज़्यादा वर्क करा, ये सारी जो है कहाँ पे मुझे CPM या CTR मुझे कम गिरा, इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। CTR मीन्स इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय क्लिक्स। ठीक है, जितने इम्प्रेशंस हुए और उसको आप डिवाइड कर दो क्लिक्स से तो आपका CTR मिलेगा। ठीक है, CTR हमेशा जो है क्लिक थ्रू रेट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तो ये आप ध्यान रखना। और बाकी के वीडियो फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं कितने लोगों ने 75% वीडियो देखा। अगर मेरा कोई वीडियो कैंपेन रन हुआ होगा तो यहाँ पे नहीं है शायद, वीडियो कैंपेन कोई रन नहीं किया। तो इस हिसाब से हम लोग जो है कैंपेन्स और मैट्रिक्स कैंपेन्स की जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे पिवोट टेबल है, हम लोग जो है टेबल फॉर्म में देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखते हैं ट्रेंड जो है ट्रेंड फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें जो भी डेटा हम लोग देख रहे थे अभी वो कुछ अलग ग्राफिकल फॉर्म में भी दिख सकता है। क्या हो गया, लार्ज रिपोर्ट स्कैन टेक ओके। तो ये उसका डेटा है। मैं क्या करता हूँ, जो भी कैंपेन्स मैंने रन किए थे इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। क्या गया वो, डेट रेंज हम लोग थोड़ा सा ये कर देते हैं 2014 से देख रहे हैं क्या इसको हम लोग। ठीक है, लोड तो हो गया। ठीक है, 2021 ऐसे क्यों दिख रहा है भैया, यहाँ हम लोग डेट रेंज थोड़ा सा ये कर देते हैं।
फर्स्ट क्वार्टर मेरे पास डेटा उतना ही नहीं होने की वजह से ये सब इतना दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए नवंबर 7, नवंबर 15, नवंबर 28, ये जो भी कैंपेन्स रन किए होंगे उस हिसाब से इम्प्रेशंस और रीच दिखा रहा है। डेटा यहाँ पे मैं इतने सारे कैंपेन नहीं लेता हूँ, नवंबर 8 को जो भी ऐड लगी होगी मेरी तो उस हिसाब से जो है डेटा इस ऐड अकाउंट से इस हिसाब से डेटा मुझे दिखा रहा है कौन से कैंपेन के लिए। तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है समझने में, डेटा नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है। कैंपेन्स जितने जितने रन्स होंगे तो उस हिसाब से तो डेटा दिखाएगा। हम लोग देखते हैं अपडेट, और यहाँ पे और एक दूसरा फॉर्म है बार ग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। तो जो भी ये कैंपेन था, ये कैंपेन था, उसका जो है इम्प्रेशंस कितना हुआ, रीच कितना हुआ, और यहाँ पे हम लोग जो उसका जो डेटा है इस हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, इम्प्रेशंस कितना हुआ, देन कैंपेन नेम के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये कैंपेन्स है, और अगर देखते हैं तो क्वालिटी रैंकिंग, यहाँ पे मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स 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 ये डेटा उतना नहीं होने की वजह से उतना कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। लिंक्स क्लिक्स के ऊपर तो ये जो भी हम लोग एनालिटिक्स देख रहे हैं ये पावर टेबल ही आई थिंक ये अच्छा समझने के लिए अच्छा है। तो ये जितने भी हम लोग पैरामीटर्स या मैट्रिक्स देख रहे हैं इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं या इसका लिंक भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए अगेन यहाँ पे ऑप्शन है कौन सा फॉर्मेट में हमें चाहिए, कौन से फॉर्मेट में हमें चाहिए, PNG में चाहिए तो PNG में भी अवेलेबल है। तो इसको एक्सपोर्ट करके हम लोग शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कॉलिग्स के साथ जो भी हमारे बिजनेस में पार्टनर्स होंगे उनके साथ ये सारा डेटा हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये है एड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है इस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज है समझाने के लिए एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के लिए आपको आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना जरूरी है। आप अपना पेज, अपना पिक्सल, इसका जो भी है एनालिटिक्स आप देख सकते हो। जैसे ये फेसबुक पेज है, इस पेज का एनालिटिक्स मतलब मंथली हमारे पेज पे क्या एक्टिविटी हुई, कितने यूजर्स आए, कितना उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की है, ये सारे जैसे गूगल एनालिटिक्स है उसको तो हम लोग देखने वाले हैं, वैसे ही गूगल एनालिटिक्स को टक्कर देने के लिए उतना मुझे नहीं लगता ये एक्टिव है गूगल एनालिटिक्स के जितना, बट इसके ऊपर काम चल रहा है फेसबुक का। तो ये अभी हमें डेटा कहाँ से आया उतना तो हमें शो करता है बट उतनी एक्यूरेसी नहीं जितना गूगल एनालिटिक्स हमें देता है एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो फेसबुक एनालिटिक्स का भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने पेज कौन सा है, जैसे ऐप क्रिएट किया था तो ऐप का भी हम लोग देख सकते हैं, पेजेस कितने रन हो रहे हैं इस बिजनेस मैनेजर से, पिक्सल्स के हिसाब से भी हम लोग जो है डेटा देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो है एक मिनट इसको अपलोड होने देते हैं।
तो पिक्सल मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे लास्ट 28 डेज है तो मैं यहाँ 90 डेज कर लेता हूँ, तो ये पिक्सल शायद रॉन्ग पिक्सल है, तो पेज ही सिलेक्ट कर देते हैं। पेज के हिसाब से हम लोग एनालिटिक्स देख सकते हैं, हमारे पेज के ऊपर क्या जो है ट्रैफिक है, यूजर्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कौन से पोस्ट को रिएक्शंस कितने मिल रहे हैं, लाइक्स कमेंट्स शेयर्स, और भी बहुत सारी जो है एक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये ओवरव्यू में हम लोग हैं, और एक्टिविटी में अगर देखें तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत, हमने अगर फनल क्रिएट किया है तो फनल के हिसाब से भी हमें डेटा मिलेगा, जैसे यहाँ इस बिजनेस अकाउंट से कोई फनल जो है मैंने रन नहीं किया है तो फनल भी आपको दिखेगा, जैसे लैंडिंग पेज उसका एड टू कार्ट किया, परचेस किया, देन रिटर्न आया, ये जो भी फनल्स हैं हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और इवेंट्स के हिसाब से भी हमें जो है डेटा जो है मिलता है यहाँ पे। ये एक्चुअली ये जो है एड अकाउंट जो बिजनेस बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है, इसमें कोई डेटा नहीं होने की वजह से यहाँ पे दिख रहा है वैसे। तो ये फेसबुक एनालिटिक्स जो है ये हमें जो है डेटा इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, हमारे पेज का, हमारे एड्स का, या जो भी हमारे पेज के ऊपर बिजनेस के ऊपर एक्टिविटी हो रही है उसका डिटेल्स हमें दिखता है। डेमोग्राफिक्स पीपल में अगर जाते हैं तो यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ आपको जो है मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने टेस्ट डैशबोर्ड करके क्रिएट किया है यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करके अगर अपने हिसाब से जो जो भी अपने को डेटा देखना है तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ डेटा, यहाँ पे उसका नाम देता हूँ अगेन टेस्ट डेटा, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमें कौन सा मेट्रिक लेना है, जैसे बार वाला लेना है, तो अगेन यहाँ पे डेटा नहीं होने की वजह से मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम लोग वो डेटा को समझ सकते हैं, ठीक है, उस एनालिटिक्स की यूज़र क्या, यहाँ पे फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू फिल्टर, इवेंट के हिसाब से कौन किसने इवेंट परफॉर्म नहीं किया, और बाकी बहुत सारे मेट्रिक्स हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो फिल्टर लगा के भी हम लोग अपना डेटा जो है एनालाइज कर सकते हैं, और ये शेयर भी कर सकते हैं, या प्राइवेट रखना चाहते तो प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो अगेन ये एक फेसबुक एनालिटिक्स का जो है डैशबोर्ड है, इसको यूज़ करने के लिए आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए, और बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आपके जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा इस फेसबुक ऐड अकाउंट इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट में नहीं होने का एक वजह यह है कि मेरा जो भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट है इसमें मतलब मेरा जो पर्सनल ऐड मैनेजर अकाउंट है इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे एडेड नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे मुझे डेटा वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये फेसबुक एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है। और दूसरी चीज़ है ऑटोमेटेड रूल, ऑटोमेटेड रूल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कैंपेन में आते हैं अभी। ऑटोमेटेड रूल्स यानी कि क्या, जैसे हम लोग कैंपेन रन कर रहे हैं, हम लोग अभी एड्स मैनेजर में आते हैं, जैसे हम लोग कोई कैंपेन रन कर रहे हैं और ये हमारा कैंपेन एक्टिव है, तो यहाँ जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये कैंपेन को मैं रूल लगा सकता हूँ। रूल लगा सकता हूँ यानी कि क्या कर सकता हूँ मैं, कि अगर सपोज मेरा मैंने ₹500 डेली बजट रखा है तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका अगर बजट इंक्रीज होता है या ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगेन मैं बताता हूँ आपको, अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे हम लोग रूल्स लगा सकते हैं, जैसे इसको मैं अगर रूल लगाना है मुझे तो क्रिएट अ न्यू रूल, या फिर आप जा सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटेड रूल्स में, तो यहाँ इस कैंपेन की बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको एक रूल लगाना है। सपोज कैसे रूल लगाते हैं हम लोग समझते हैं अभी, मान लो कि ये कैंपेन है सिलेक्ट किया मैंने, इस रूल को हम लोग कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है, टेस्ट रूल ऐसा कुछ। तो यहाँ मुझे इस कैंपेन के ऊपर एक रूल लगाना है, कि कौन सा रूल लगाना है, कि मुझे कौन सा एक्शन लेना है मुझे। तो अगर
इस कैंपेन का कोई रिजल्ट, कंडीशन मुझे लगानी है, एक्शन मुझे ले देना है, इसको टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है या नोटिफिकेशन सेंड करना है। अगर मान लो कि मुझे ये टर्न ऑफ ये एक्शन लेना है, कब लेना है, कौन सी कंडीशन पे, अगर इसका कॉस्ट पर रिजल्ट, इस कैंपेन का कॉस्ट पर रिजल्ट, यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, कंडीशंस हैं, बारी बारी से देखेंगे। अगर इसका जो इस कैंपेन का रिजल्ट है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इज बिट इन बिटवीन और इज नॉट बिटवीन, यहाँ पे जाता है। जैसे देखो कॉस्ट पर रिजल्ट अगर जाता है, सपोज मान लेते हैं 20 रुपीज के ऊपर, तो मैं अगर मुझे देना है कि कॉस्ट पर रिजल्ट यानी कि लीड जो है 20 रुपए के ऊपर जाती है, तो मैं क्या करूँगा, इस कैंपेन को ऑफ हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कैंपेन के लिए रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है 20 रुपीज के इज ग्रेटर देन 20 रुपीज हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस कैंपेन को टर्न ऑफ कर दूंगा। अगेन बहुत सारे रूल्स मैं लगा सकता हूँ वैसे, ठीक है। कॉस्ट पर एड पेमेंट इन्फो फ्रॉम फेसबुक, अगर मेरा यहाँ पे कोई और अगर मुझे जैसे इसके ऊपर स्पेंट अगर ग्रेटर देन 500 होता है, तो हो सकता है मैं इसको ऑफ कर दूँ या ऑन कर दूँ। तो इस हिसाब से मैं हर कैंपेन के लिए ऐड जो है रूल्स जो है लगा सकता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूशन विंडो यानी कि जैसे वन डे व्यूइंग एंड सेवन डे क्लिक, यानी कि क्या हो गया इसका, जैसे हम लोग कन्वर्जन कैंपेन में देखा था कि जैसे कन्वर्जन हम लोग कब मानेंगे, जैसे एक दिन हमारी ऐड चली, एक दिन उसने व्यू किया ऐड को और एक दिन में ही उसने उस ऐड के ऊपर क्लिक करके कोई कन्वर्जन इवेंट क्रिएट किया, तो ऑब्वियसली वो एक दिन में हमारा कन्वर्जन इवेंट काउंट हो जाएगा। बट सपोज एक दिन में उसने व्यू किया आज और सेवन डे तक उसने अगर सेवंथ डे में अगर उसने कोई इवेंट कन्वर्जन इवेंट क्रिएट किया, तो उसको कन्वर्जन मानेंगे हम लोग, फेसबुक उसको कन्वर्जन मानेगा, ऐसा हम लोग उसको बता रहे हैं। सपोज उसने यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर रूल लगा सकते हैं कि हम लोग कन्वर्जन कब माना सकते हैं, अगर 28 डेज में भी अगर वो कन्वर्जन होता है तो हम लोग उसको भी कन्वर्जन मानेंगे, ठीक है। तो ये एक रूल होता है कन्वर्जन कैंपेन्स में भी हम लोग ये देखा था, हमने देखा था कि वन डे नॉर्मली यही होता है, क्योंकि अगर 8वें दिन अगर कोई आता है तो मैं उसको कन्वर्जन नहीं मानूंगा, इस हिसाब ऐसा इसका बेसिक मीनिंग होता है, ठीक है। वन डे व्यू एंड सेवन डे क्लिक, यहाँ पे हम लोग 28 डेज भी लग सकते हैं, 14 डेज यहाँ पे नहीं है तो, लेकिन 14 डेज भी होता है जैसे हम लोग कैटलॉग सेल्स में अगर देखा था। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी रूल लगा सकते हैं कि कन्वर्जन हम कब मानेंगे, अगर एक दिन में व्यू किया और 7 डे में उसने कन्वर्जन कोई अगेन यहाँ पे वेबसाइट में आके अगर ऑफ द फेसबुक अगर आके कोई कन्वर्जन इवेंट क्रिएट किया, तो उसको हम लोग कन्वर्जन मानेंगे क्या, ये ऑब्वियसली उसको कन्वर्जन मानेंगे, ऐसा हम लोग फेसबुक को बता रहे हैं। या 28 डेज के भीतर अगर वो आता है तो उसको भी कन्वर्जन मान सकते हैं, ये भी रूल लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट अकाउंट डिफॉल्ट में क्या रहेगा, डिफॉल्ट में यही रहेगा वन डे व्यू और 7 डे क्लिक, डिफॉल्ट वही रहता है, वही रहने दे। ये रूल कब तक रहना चाहिए, रूल रन्स एज ऑफन एज पॉसिबल, यूजुअली एवरी 30 मिनट्स और डेली, और कस्टम कब रूल लगाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो और इसके नोटिफिकेशन हमको मेल से आएंगे, फेसबुक नोटिफिकेशन से आएंगे, तो इस हिसाब से हम लोग ये जो डेटा है देख सकते हैं। अगर मान लो कि मैं इसके ऊपर यहाँ कंडीशन में चेंज कर देता हूँ, कंडीशन कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा जाता है सपोज 10 और यहाँ पे टर्न ऑफ कैंपेन का मैंने रूल लगाया है, तो ये क्रिएट कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्लोज। तो यहाँ ये कैंपेन के लिए जो है रूल लग गया है, और यहाँ इसको मैनेज भी कर सकते हैं हम लोग, इसको बंद करना है या ऑफ करना है। तो अगर वो कैंपेन ऑफ होने की वजह से यहाँ पे दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, आई गेस हाँ यहाँ पे दिखा रहा है, टेस्ट रूल कैंपेन सेलेक्ट किया है हमने, ठीक है। इसको प्रीव्यू अगर देखते हैं हम लोग, तो वो जो भी हमने रूल लगाया है तो वो रूल हमें दिखेगा। और वैसे ही हम लोग
जस्ट सेकंड, इंटरनेट यार फेसबुक बहुत टाइम लेता है अब लोड होने में, लेकिन दिमाग खराब होता है यार। इंटरनेट स्पीड अच्छी होने के बावजूद भी क्या है ये। वैसे ही हम लोग पर्टिकुलर कैंपेन के जो भी एड्स हैं, एड सेट्स हैं या एड्स हैं, उसी उसको भी हम लोग रूल्स लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस एड सेट को ये जो सपोज ये अज्यूम करते हैं कि ये रनिंग कैंपेन है, इसको भी मुझे कोई रूल लगाना है तो अप्लाई एन एग्जिस्टिंग रूल, इसको भी हम लोग एग्जिस्टिंग रूल लगाना चाहते हैं या फिर कोई क्रिएट नया रूल करना चाहते हैं इस एड सेट के लिए, तो टर्न ऑफ एड सेट्स या इंक्रीज डेली बजट, इसका डेली बजट हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं। सपोज इसका डेली बजट होगा 500 रुपीज, तो मैक्सिमम डेली बजट में इसका जो है इंक्रीज डेली बजट बाय, सपोज मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 100 रुपीज, ठीक है, इंक्रीजिंग बजट बाय दिस परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज में आए, ठीक है, इंक्रीज बजट बाय 10%, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। मैक्सिमम कैप मैं अगर लगाना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं 550 रुपये डेली का जो है खर्चा करना चाहता हूँ डेली, वंस डेली, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग रूल लगा सकते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट अगर इसका सपोज मान लेते हैं 20 के ऊपर जाता है तो मैं इसका जो है कंडीशंस, हाँ ठीक है, क्या कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्शन इंक्रीज डेली बजट, यहाँ पे इसको अगर मुझे ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें रूल्स लगाने हैं उस हिसाब से टाइम रेंज सिलेक्ट करना है, टुडे लगाना है, यस्टरडे वगैरह, जो भी रूल्स कितने दिनों के लिए किस हिसाब से हमें सेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है एड सेट लेवल पे भी रूल लगा सकते हैं और एड्स लेवल पे भी हम लोग रूल लगा सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एड लेवल के ऊपर, तो अगेन इस एड को भी मैं एक रूल लगा सकता हूँ, टर्न ऑफ एड या टर्न ऑन एड या सेंड नोटिफिकेशन, अगर कोई कुछ ग्रेटर देन 20 जो जाता होगा रिजल्ट, तो हो सकता है मुझे नोटिफिकेशन आए और मैं इस हिसाब से यहाँ इस एड का जो है कुछ ना कुछ चेंज कर दूँ, एड कॉपी चेंज कर दूँ या फिर वो सपोज एड क्रिएटिव चेंज कर दूँ। तो ये सारे रूल्स जो है हम लोग एड कैंपेन लेवल पे, एड सेट लेवल पे और एड लेवल पे जो है हम लोग लगा सकते हैं रूल्स। और रूल लगाने का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग अपने कैंपेन्स को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, तो हम लोगों को जो है एनालिट हमारे कैंपेन्स को एनालाइज करने में एक अच्छा कंट्रोल मिलता है हमारे पास। तो रूल्स लगाना जो है अच्छा रहता है कभी कभी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें है। एक और चीज़ है जो आपको शेयर करनी है, सेकंड थिंग क्रिएटिव हब। अब ये क्रिएटिव हब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग एड्स क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है हमें क्लाइंट का अप्रूवल लेना हो उस एड, वो एड कैसी दिख रही है या फिर उसका इमेज, उसका एड कॉपी, उसका कॉल टू एक्शन या हेडलाइन, जो भी है चीज़ें, तो हमें क्लाइंट से या हमारा जो भी सीनियर होगा हमारे ऑफिस में, तो उसका अगर हमें अप्रूवल लेना है तो हम लोग ये जो है मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। मॉकअप्स यानी कि एड्स, वन टाइप ऑफ एड्स, तो यहाँ पे हम लोग मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे हम लोग एड्स में, एड सेट के बाद हम लोग जैसे एड्स में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एड्स जैसे क्रिएट करते हैं वही उसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ जो है एड्स क्रिएट कर सकते हैं हर प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, हर प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है रिजल्ट्स जो है दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ एक कोई मीडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, रन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई प्राइमरी टेक्स्ट और यहाँ हेडलाइन और यहाँ
यहाँ हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। मेरे पास कोई है क्या, देखते हैं। ऐड कॉपी, ये जैसे ऐड कॉपी है इसको कॉपी करते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट, से कुछ दे देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, कॉल टू एक्शन, लर्न मोर। तो ये यहाँ वीडियो फीड्स में इस तरीके का ऐड दिखेगा। फेसबुक का जो डेस्कटॉप में जो राइट कॉलम होता है तो इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। देन इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में इस तरीके से दिखेगा। न्यूज़ फीड में अगेन ये एड्स जब हम लोग बनाते हैं तो उसका एक मॉकअप क्रिएट करके देख सकते हैं कि उसका किस तरीके से हमें परफॉर्म हो रहा है। स्टोरीज में इस तरीके से दिखेगा, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, मैसेंजर स्टोरीज, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स में इस तरीके से दिखेगा और बहुत सारी जो है प्लेटफॉर्म्स, एप्स एंड साइट्स। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है ये एड देख सकते हैं। इसको अगर हमको शेयर करना है तो ये इस लिंक को, लिंक शेयरिंग की ऑन कर देते हैं और ये लिंक कॉपी करते हैं और हमको किसी को अगर सेंड करना है तो सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं इनकॉग्निटो में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, ओह शिट, यहाँ पे मुझे पेस्ट एंड गो। तो वो लिंक हम लोग शेयर कर सकते हैं हमारे किसी भी सबऑर्डिनेट या हमारे जो भी एसोसिएट्स हैं, सीनियर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनको दिखा सकते हैं उनका अप्रूवल लेने के लिए कि ये इस तरीके से ऐड दिख रहा है आपका, दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ इस ऐड को एड्स मैनेजर में भी शो करना है तो यहाँ पर भी हम लोग इसको जो है एड्स मैनेजर में सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट एड में अगर आता हूँ मैं, तो ये जो है ये एड हमारे एड्स मैनेजर अकाउंट में भी दिखेगा और उस हिसाब से हम लोग कैंपेन रन कर सकते हैं और एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैंपेन सिलेक्ट कर देते हैं और इस हिसाब से जो भी कैंपेन रन करना है हम लोग कैंपेन रन कर सकते हैं। तो ये है एक और क्रिएटिव हब का जो पार्ट है। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से खुद होके भी सीख सकते हो। एक और चीज बतानी है आपको, एक और जैसे आप सपोज मैं क्या करता हूँ, अभी फेसबुक में लॉग इन होता हूँ। हमें हम जैसे दिन में कितनी बार फेसबुक पे लॉगिन होते होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एड्स हमें दिखती है। ठीक है, तो एक सपोज ऐड देखते हैं, जैसे एक्टिव कैंपेन, मैं कई एक्टिव कैंपेन के एक्टिव कैंपेन से मैं रन करता हूँ ईमेल्स जो है ईमेल कैंपेन्स, तो ये मुझे दिखता है। एक्टिव कैंपेन का भी दिखा है, देन यूनिसेफ कोई एड है क्या, हाँ ये टैलेंटेज का भी एक ऐड है। तो ये जो एड्स हैं tichy.com और क्या है और बाकी के बहुत सारे एड्स हैं, जैसे ये नहीं है, लिंक्डइन का भी ये ऐड है। अदर एक 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 क्या देखना चाहता था मैं कि जैसे गूगल एड्स कोई ऐड नहीं दिख रही मुझे। देखिए सिद्धार्थ राजशेखर का ऐड है, तो हम लोग अगर हमें देखनी है कि वो बंदा सिद्धार्थ जो है कौन सा ऐड चला रहा है। ठीक है,
या फिर जितने भी हमें एड्स दिख रहे हैं उनके एड्स किस तरीके से चल रहे हैं, तो यहाँ सिंपली हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एड्स लाइब्रेरी, और यहाँ हम लोग फेसबुक के एड्स लाइब्रेरी का जो पहला लिंक है उसको क्लिक करते हैं। यहाँ मैं अगर टाइप करता हूँ सिद्धार्थ को, पेस्ट, ठीक है, उसका एक ही पेज है तो सिलेक्ट कर देते हैं। सिद्धार्थ कौन सी एड्स चला रहा है, नहीं दिख रहे, क्या सिलेक्ट किया मैंने, सर्च ऑल, पेस्ट, देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ की ये एड चल रही है, एक्टिव एंड इनएक्टिव, एक्टिव एड्स अगर देखते हैं तो इनएक्टिव एड्स भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये कैंपेन्स एक्टिव है उसके, इतने सारे कैंपेन्स एक्टिव रहे उसके, बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत पैसा है बंदे के पास, तो इसकी एड्स हमको क्या देखना है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो हम लोग जब एड्स बनाते हैं, जैसे मान लो कि अगर मुझे ये ऐड दिख रही है तो ये थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा कि वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो ऐड क्यों दिख रही है, तो देख सकता हूँ कि उसने किस तरीके से मुझे रिटारगेट किया है या कौन से उसके इंटरेस्ट बेस जोन में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। जैसे देखिए सिद्धार्थ इज ट्राइंग टू रीच पीपल हु फेसबुक थिंक्स आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिखाना चाहता है वो ऐड। इज ट्राइंग टू रीच पीपल एजेड 24 to 52 एज, एज ग्रुप भी सिलेक्ट किया है उसने, ठीक है, मैं उस एज ग्रुप में आता हूँ। इज ट्राइंग टू रीच पीपल हुज प्राइमरी लोकेशन इज इन इंडिया, इंडिया के लोगों को उसने टारगेट किया है, ये एड्स हैं। तो ये जो एड्स हैं उसका उसका जो है ये एड मुझे इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये उसने जो टारगेट किया है जिस ऑडियंस को उसमें मैं फिट बैठता हूँ, तो इस दैट्स वाई ये एड्स मुझे दिख रही है, ठीक है। और अगर नीचे आते हैं और कोई ऐड दिखती है क्या मुझे, ग्राफिक लीडर, इसको भी हम लोग देखते हैं ये ऐड मुझे क्यों दिख रही है, ठीक है। वांट टू रीच सिमिलर टू देयर कस्टमर्स, ये लुकल लाइक ऑडियंस चला रहा है, ठीक है, लुकल लाइक ऑडियंस, रिच पीपल, दिस ग्राफिक लीडर वांट्स टू रीच पीपल हु मे बी सिमिलर टू देयर कस्टमर्स, मतलब ये लुकल लाइक ऑडियंस बना के ये रन कर रहा है एड, इसलिए मुझे दिख रही है। ग्राफिक लीडर इज ट्राइंग टू रीच पीपल एजेड 13 एंड ओल्डर, इज ट्राइंग टू रीच पीपल हुज प्राइमरी लोकेशन इज इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें मुझे एड्स रन करने में, क्योंकि ये मुझे कैसे दिख रही है एड्स और इसके दिखने के पीछे रीज़न क्या है, तो ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। दीपक सिंह अगेन, ठीक है, 99 रुपीज़ का कोर्स मुझे क्यों दिख रहा है, तो अगेन दैट मे यू हैव विजिटेड थिंक एंड थ्राइव, ठीक है। हाँ, मेरी एक 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 आदत क्या है पता है क्या, मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई भी ऐड दिखती है ना तो मैं उसके लैंडिंग पेज में जाके देखता हूँ सबसे पहले, और उसका लैंडिंग पेज जो है उसका लैंडिंग पेज भी कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। उसका लैंडिंग पेज देखता हूँ, उसका लैंडिंग पेज किस तरीके से दिया है, क्या क्या उसने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं और किस तरीके से CTA का यूज़ किया है और कितना डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दिया है। अगर सिद्धार्थ की भी हम लोग एड्स पे आएंगे तो उसका भी, और ये मुझे बार बार दिखते रहते हैं फिर एड्स, क्योंकि वो रिटारगेटिंग करेंगे। अगर इसके ऊपर आता हूँ मैं तो यहाँ पर उसका जो है लैंडिंग पेज दिख रहा है मुझे, तो
तो उसने क्या ऐसे ट्रिगर पॉइंट लिए हैं, कौन सा किस तरीके से वो डिज़ाइन किया है उसके पेज को, तो ये मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए या खुद के लिए लैंडिंग पेज बनाने में आसानी रहती है कि इस हिसाब से जो है टारगेट कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ फिर उसका जो जो भी मैंने लैंडिंग पेज जो ओपन किया है, जैसे ये वाला लैंडिंग पेज, इसका जो है इसका लिंक कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लैंडिंग पेजेस हैं, कॉपी नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लैंडिंग पेजेस की जो क्यों नहीं हो रहा है भैया, ठीक है हो गया। तो बहुत सारे लैंडिंग पेजेस हैं मेरे पास, जितने भी एड्स मुझे दिखते हैं हर किसी के लैंडिंग पेज में जाके देखता हूँ कि उसने क्या ऐसा दिया है, उसने किस तरीके से ऐड लगाई है, उसका इंटरेस्ट जोन में मैं क्यों आता हूँ, मेरा कौन से इंटरेस्ट को वो टारगेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे पास रहती है। क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आने वाला कोई सिर्फ एजुकेशन बेस का ही नहीं रहता, हर किसी कैटेगरी का रहता है, हो सकता है वो जिम से भी हो सकता है, या हो सकता है एजुकेशन, ई लर्निंग, फैशन, ज्वेलरी, जो भी है, ट्रैवल्स, टूरिज्म, ये हर किसी कैटेगरी का क्लाइंट हो सकता है। तो मैं हर किसी ऐड के ऊपर जाके देखता हूँ और मुझे उनके एड्स बार बार दिखते हैं, रिटारगेटिंग दिखते हैं। मैं फेसबुक में आके कौन क्या पोस्ट किया है, कि उसको लाइक करना है क्या नहीं लाइक करना है, इसको मैं उतना सीरियसली नहीं लेता। फेसबुक में मैं इसलिए एक्टिव रहता हूँ कि मुझे एड्स दिखे बार बार। तो ये मेरा बेसिक है। वैभव सिसिंथी है, वैभव सिसिंथी का भी हम लोग एड्स जो है लाइब्रेरी में देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको अगर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, आई थिंक यू ऑल नो हिम, वैभव, ये देखिए यहाँ पे उसके भी कौन से कैंपेन्स चल रहे हैं, तो ये भी मुझे दिख सकता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने ऐड कैंपेन्स के लिए, और मेरा जो भी क्लाइंट होगा, जैसे ये ठीक है ये तो वेबिनार सेल कर रहा है या कोई कोर्स सेल कर रहा होगा, तो हर किसी के लिए मैं जो है कैंपेन्स देख सकता हूँ। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, जैसे तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कौन से पेजेस है, वो पेजेस को मैं पहले तो सिलेक्ट करूँगा, और कौन सी उस पेज का जो है मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, और वो पेज ऐड चला रहा है कि नहीं चला रहा है ये देखूँगा, और कैसे चला रहा है, क्या उसने ऐड कॉपी रखा है, कौन सा ऐड क्रिएटिव वीडियो चला रहा है, या जो इमेज के क्रिएटिव चला रहा है। देखिए ये बंदा जो है ना, ये मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में कि वीडियो जो कैंपेन्स है ना बहुत अच्छे से वर्क होते हैं, वीडियो कैंपेन्स रन करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। उसके हिसाब से हम लोग अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, रिटारगेट कर सकते हैं ऑडियंसेस को। तो ये देखिए ये बंदा जो है बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहा है, इतने सारे कैंपेन्स, इतने सारे एड्स उसके चल रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी आपको, और इंटरेस्टिंग लगा कुछ? हाँ सर। तो अगर उसने जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमारा खुद का ही जैसे हमारा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स है उसके लिए ऐड चलाते हैं अक्षय लोग, तो कभी कभी वो मुझे भी टारगेट करता है। हाँ, तो एक आध बार जब किया है तो मैंने उसके ऑडियंस चेक किया है। हाँ, सो अगर एक्चुअल में हमारा ऑडियंस बहुत वास्ट होता है, अगर अंदर 15-20 सिलेक्शन किए होते हैं, लेकिन जब मैं वाई एम आई सीइंग दिस ऐड करता हूँ तो वो मुझे 3 या 4 ही दिखाता है, सब तो नहीं दिखाएगा अंदर का। हाँ, हाँ। और ना बजट दिखाएगा। हाँ, नहीं बजट तो नहीं दिखाएगा, ऑब्वियसली वो पर्सनल चीजें होती है, सब कुछ तो नहीं दिखा सकेगा ना वो। जितना जरूरी है, या फिर हम लोग उसके कौन से इंटरेस्ट बेस में आते हैं, फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसे काम कर रहा है, आप वो सारी की सारी चीजें नहीं दिखा सकता। किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जोन में हम लोग आते हैं तो हमको हो सकता है दिखे, है ना, कोई एक पर्टिकुलर जोन, सारे के सारे इंटरेस्ट बेस तो नहीं दिखाएगा।
हाँ, लेकिन उसका जो लोकेशन है और जो एज जो उसने जो सिलेक्ट किया है तो वो तो डेफिनेटली दिखाएगा, बट इंटरेस्ट सारे के सारे हो, हमारे तो इंटरेस्ट हजारों हो सकते हैं, तो हजारों इंटरेस्ट तो नहीं दिखाएगा, कोई एक एक दो इंटरेस्ट दिखाएगा। बट इसमें ऑडियंस में ऐसा ऑप्शन भी होता है कि अगर सपोज मुझे कुछ लोगों को टारगेट करना है जो पहले ऑस्ट्रेलिया में थे और अभी इंडिया आ गए, पहले ऑस्ट्रेलिया में थे अभी इंडिया आ गए, करेक्ट, उसका ऑडियंस प्रेजेंट लोकेशन इंडिया है, हाँ, बट वैसे वो ऑस्ट्रेलिया बट बट आपकी ऑडियंस को बहुत नैरो हो जाएगी वहां पे, हाँ चलेगा, बट एड्स वर्क नहीं करेगा, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत हाई जाएगा। ओ अच्छा, बट ऐसा ऑप्शन है इसमें, क्योंकि हमारे पास कैसा है कि अभी जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम कंपनी में सेल कर रहे हैं वो ऐसा है कि उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में पहले थे, हमसे टिकट लेके वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं, अभी उनको वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो सिटीजन है वहां के जो यहाँ पे अटक गए हैं। पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब्रॉड वालों के लिए कर सकते हैं, राइट, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे एक बहुत एक स्पेसिफिक बात हो गई वो, है ना, right. तो वो नहीं हो सकती एक्चुअली। हम लोग टारगेट कर रहे पीपल हु लिव्ड इन दिस लोकेशन, और एक्सक्लूड कर रहे हैं जो पीपल जो लोग यहाँ पे नहीं रहते होंगे और बाहर से जो यहाँ पे आए हैं, तो ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, नो डाउट, कर सकते, कर सकते, जो भी हम लोग सर, हाँ हाँ हाँ, आप बोलो पहले, मैं बात, जो भी जोन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना लोकेशन, तो वो जोन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सक्लूड इंक्लूड करके वहाँ के जो लोग हैं पीपल हु लिव्ड इन दिस लोकेशन, तो वहाँ पे हम लोग उसका जो पर्टिकुलर ऑडियंस है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ऑडियंस क्रिएट करते वक्त, तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हाँ पूजा, हाँ सर, सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपन एड्स अगर कोई रन कर रहे हैं और उसमें जब बिडिंग मतलब बजट वगैरह सब डालते हैं, तो जब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि फेसबुक हमें मिनिमम एड्स मतलब दिखाता है, लाइक मिनिमम डेली बजट हमें शो करता है, तो अगर मान लो कोई एडवर्टाइजर उस मिनिमम डेली बजट को ही मतलब लेकर के चलता है, लाइक से फॉर एग्जांपल 80 रुपीज है डेली बजट मिनिमम, और अपन खाली 80 रुपीज का ही कर रहे हैं, तो उसमें फिर रिटारगेटिंग में लाइक काफी मतलब क्या इफेक्ट हो सकते हैं, लाइक बिकॉज मतलब आई थिंक वो जो मिनिमम बजट होता है वो शायद वो उसमें ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलते होंगे, लाइक आई थिंक बिकॉज वो पूरा इंटायर फेसबुक के पास जाता होगा वो अमाउंट, तो उसमें कैसा है, जैसे अभी पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, तो अच्छा है ना, पेट्रोल अभी 100 रुपए लीटर हो गया, तो 100 मैं मुझे अगर मैं गाड़ी में 20 का ही पेट्रोल डालता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरेगा, मैं पहले 20 किलोमीटर जाता था अभी 10 किलोमीटर जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि जैसे जितना आप फ्यूल दोगे, फ्यूल फेसबुक को, फ्यूल यानी कि अमाउंट, उस हिसाब से वो अच्छा अच्छा ऐड रन करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मनी, आप अगर लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और आप अपना बजट बहुत स्मॉल रख रहे हो, तो रिजल्ट आपको नहीं आएगा, हाँ सर नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्यूल फ्यूल हमको देना होता है उस सिस्टम में। ओके सर, तो सर लेकिन मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब मैक्सिमम हमें कितना बजट रखना है, बिकॉज़ ये यहाँ पे बहुत लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब लाइक कितना अमाउंट यहाँ पे ठीक रहेगा, लाइक उस हिसाब, हाँ अगेन मैंने टेस्टिंग के बारे में बात करी थी, आपको शुरुआती दिनों में रिजल्ट्स नहीं आते हैं कभी कभी भी, आप देखो शुरुआत में आप 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए से एड चला के देखो, मिनिमम ऑडियंस जो भी आप एक जैसे आप मान लो कि पूरे इंडिया के लिए चला रहे हो एड, ठीक है, हाँ, तो आप हाँ. क्या करो, ऐसे दो कैंपेन्स रन करो, एक पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए और दूसरा एक टोटल इंडिया के लिए, और ऑडियंस सेम रखो, इंटरेस्ट सेम ही रखो और बजट भी सेम ही रखो, ठीक है, 150-200 रुपए, और टेस्ट करके देखो 4-5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, हो सकता है आपके 1,000-1,500-2,000-3,000 वेस्ट जा सकते, वेस्ट नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, बट हमें पता चलेगा और फेसबुक को भी पता चलेगा कि हमारी राइट ऑडियंस कौन सी हो सकती है, तो उस हिसाब से वो कैंपेन्स रन करेगा, और हो सकता है हो सके तो आप 2 या 3 एड सेट बना के रखो, एड सेट बनाओ, ओके, हर किसी के लिए, हर कैंपेन के लिए, मतलब वो लाइक एक पर्टिकुलर का उसका, हाँ, उसको कॉपी करो, थोड़ा सा उसका ऑडियंस चेंज करो,
ठीक है ओके तो सर हाँ हाँ बोलो सर मैं ये बोल रही थी कि लाइक जैसे से फॉर एग्जांपल लाइक हमारी एक क्लाइंट है आईआईएम बेंगलोर से स्टूडेंट है वो मतलब नहीं प्रोफेसर है शायद तो उसमें लाइक उनका एक पेज है लाइक इंडिया चैप्टर करके तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि जो एंशियंट मतलब आर्टिकल्स होते हैं जो पुराने मतलब एंशियंट चीजों के रिलेटेड ठीक है अब उनका हमें ऐड चलाना है तो उसमें लाइक मतलब चलो ऑडियंस टारगेटिंग मतलब सब क्लियर है ठीक है समझ आता है बट हमें उसको प्रोफाइल को ग्रो करना है लाइक वही एंगेजमेंट वाली चीज जो आपने वैसे बताया था बट उसमें लाइक मतलब लाइक क्या रहेगा मिनिमम बजट कितना मतलब रख सकते हैं लाइक या फिर किस तरीके से टारगेट करना चाहिए वैसे सबसे पहले तो टारगेट तो चलो टारगेटिंग हाँ क्लियर है टारगेटिंग क्लियर है प्रोफाइल को अगर ग्रो करना है पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं तो सबसे पहले तो उसको ऑर्गेनिकली आप उसके उसकी एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करो ठीक है ओके जैसे आपके इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज दोनों भी कंसिडर करके चलते हैं अगर 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 उसको उसकी एंगेजमेंट बढ़ानी है उसके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आपको कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ऑर्गेनिकली वहां पे पोस्ट डालते रहने होगी कंसिस्टेंट और प्रॉपर हैशटैग्स इंस्टाग्राम के ऊपर और एड्स प्रॉपरली रन करने होंगे और इंफॉर्मेटिव नॉलेज और ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड जो है मीम्स हो सके या वीडियोस या स्टोरीज कंटिन्यूअसली वहां पे उसको और ओवरनाइट हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे हमको हो सकता है 5 महीने 6 महीने के लिए हमको कुछ करना इस तरीके से कंटिन्यूअसली उसको रन करना हो जैसी चीजें ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग एड्स ठीक है ये सब चीजें एक दो बार एड्स भी चलाना बीच बीच में ग्रो करने के तो ये सब चीजें होती है मतलब एक्चुअली क्या है कि लाइक जैसे हम लोग का मतलब जो इंडिया चैप्टर है ये एक मतलब ऑफलाइन ही अगर देखा जाए तो ऑफलाइन ये काफी बड़ा मतलब पेज है लाइक वैसे बट ऑनलाइन इसका उतना वो नहीं है लाइक ब्रांड अभी नहीं है तो अब लेकिन ऐसे में अगर हम किसी नॉर्मल जो मतलब नॉर्मल अब किसी इंडिविजुअल के पेजेस में जाकर के एंगेजमेंट लाने की कोशिश करते हैं तो ब्रांड के नाम पे भी तो थोड़ा मतलब वो आएगा ना तो उस बारे में मुझे जानना था कि लाइक वहाँ एंगेजमेंट का मतलब लाइक सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस कौन सी है उसको उसके हिसाब से हमें जो है अपना जो पोस्ट होते हैं या फिर जो भी हमारे क्रिएटिव्स होते हैं जो भी इंफॉर्मेटिव हमारे जो पोस्ट होते हैं तो वो उस हिसाब से हमें यूज करना चाहिए हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है okay, तो उस हिसाब से क्योंकि हर किसी जैसे एंशियंट जो है हर कोई उसमें जो है देखिए मैं एक एक प्रोवर्ब था मैंने पहले बोला था इफ यू आर सेलिंग टू एवरीवन यू आर सेलिंग टू नो वन ठीक है एक पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर ऑडियंस होती है तो उसको ही हमें स्पेसिफिक टारगेट करना है यस सर है ना तो उस हिसाब से हमें वो पोस्ट क्रिएट करनी होगी प्रॉपर हैशटैग्स हमें कलेक्ट करके रखने होंगे कौन से हैशटैग्स पे कितना जो है पोस्ट आता है एंगेजमेंट आता है उस हिसाब से हम कर सकते हैं उसको ग्रो कर सकते हैं ओके और सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना लाइक कि मतलब अपन ने पहले एक स्पेसिफिक टारगेट को मतलब ऑडियंस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया और धीरे धीरे अपन उस ऑडियंस को अपन ग्रो कर रहे हैं लाइक ऐसे भी स्टार्टिंग इनिशियली ऐसे कर सकते हैं करना चाहिए ना ऑब्वियसली 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 ऐसे ही करना चाहिए ऐसे ही करना चाहिए ओके सर ओके सर थैंक यू सर ओके वेलकम ओके आई थिंक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो अभी हम लोग क्या करते हैं कल तो गेस्ट सेशन है तो एक्चुअली क्या होना तो संडे या मंडे या ट्यूसडे से ही हमारा जो है गूगल एड्स रन होना चाहिए था शुरू होना चाहिए था बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका तो नेक्स्ट सेशन हमारा गूगल एड्स का जो है इंट्रोडक्शन रहेगा और गूगल एड्स टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं ठीक है okay, sir. ओके ओके देन चलते हैं ओके सर ओके बाय बाय ओके सर बाय बाय सर थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ऑल